नए नए साथी बने हैं ये आशीर्वाद है इनके लिए, आशीर्वाद है इनके लिए। सही बताऊं तो मैं जब भी यहाँ पर आता हूँ मेरे को कभी भी यहाँ पर परायापन नहीं मिला, इतना अपनापन लगता है कि दिल करता है कि बस यही मुझे कोई जगह दे दे, मैं यहीं पर ही बस जाऊँ। इतना मेरे को इस एंक्लेव में प्यार मिलता है कि शायद ही यहाँ का कोई भी छोटे से छोटा भी प्रोग्राम होता होगा तो उसमें मेरे को इस तरह से उपस्थित करा जाता है जैसे कि मैं इन्हीं के बीच का एक सदस्य हूँ। मैं बहुत बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ कि आज मुझे जो जिला प्रभारी का भाग दिया है उत्तरांचल पंजाबी महासभा ने, उसके लिए जो इन्होंने मेरे को पगड़ी बनाई है और मेरे को इन्होंने सम्मानित कराया है, मैं ये क्षण कभी नहीं भूलूंगा, मेरे लिए अति सम्मानीय क्षण है। और मेरे प्यारे रुड़की वासियों, मैं संदीप तोमर आपका आज आपको लाया हूँ एक पवित्र धाम, रुड़की का ही एक पवित्र धाम, धाम ही कहेंगे क्योंकि जहाँ संतन के चरण पड़ जाएं उस जगह को धाम से कम नहीं माना जा सकता। ऐसी संत हैं हमारे रुड़की के, बहुत प्रसिद्ध हैं पंडित रजनी शास्त्री जी, आचार्य रजनी शास्त्री जी, और इनके इस पवित्र धाम पर आज एक बहुत अच्छा काम हुआ है। उत्तरांचल पंजाबी महासभा के जो नवनियुक्त पदाधिकारी हैं उनके स्वागत का कार्यक्रम यहाँ रखा गया, और बात सिर्फ स्वागत तक नहीं है, स्वागत तो इन पदाधिकारियों का कई जगह हो रहा है, कई जगह भी हो भी चुका है, लेकिन यहाँ एक संकल्प इन्होंने लिया है समाज की सेवा का। उत्तरांचल पंजाबी महासभा के पदाधिकारी जरूर बने हैं लेकिन सिर्फ पंजाबी समाज नहीं, अन्य वर्गों के लोगों की भी सेवा का संकल्प आज इन्होंने लिया है। संगठन का नाम हो सकता है, यानी बहाना कुछ भी हो सकता है, पर जिसे करना हो वो बहुत कुछ कर सकता है। तो सबसे पहले तो आचार्य रजनी शास्त्री जी आपसे जानना चाहूँगा, फिर पदाधिकारियों के पास आऊँगा कि किस भावना से, और जैसा मैंने देखा कार्यक्रम में फुटेज में आप लोग दर्शकगण भी देखेंगे, तो किस भावना से और किस प्रकार से स्वागत का कार्यक्रम आज आपके आवास पर, आपका मैंने जैसे धाम की संज्ञा दी, एक धाम ही है, छोटा धाम है लेकिन एक संतन के चरण जहाँ पर जाए धाम होता है, तो क्या भावना रही? धन्यवाद संदीप जी, और निश्चित रूप से अच्छे जगह के अच्छे कार्य की शुरुआत यदि आप भगवान के नाम के साथ, गुरु गद्दी के साथ, और हमारी परंपरा भी है कि अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव, माता पिता देवो भव, और गुरु चरणों में, माता पिता के चरणों में हम जितनी बार भी शीश नवाएं, मैं समझता हूं हमारे लिए बहुत कम है। और एक हमें आगे बढ़ने के लिए निश्चित रूप से हमारे माता पिता का, गुरुजनों का, सभी बड़ों का बहुत बड़ा आशीष होता है। इस भावना के साथ ही हमसे बहुत पुराने जुड़े हुए हमारे जो शिष्य हैं भाई राजन आहूजा जी, जो सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, और समय समय पर इस धाम के लिए जो भी इनसे बन पड़ता है उस सेवा के माध्यम से अपनी सेवा वो देते रहे हैं, तो भाई अनीश अरोड़ा जी हैं, भाई बजाज जी हैं, इन सब का यहाँ जुड़ाव रहा है इस दरबार के साथ। तो जैसे इन्हें जिम्मेदारी मिली तो सर्वप्रथम इन्होंने कहा कि गुरु जी आपका आशीर्वाद लेना है, तो यहाँ सबके लिए दरवाजे खुले हैं, फिर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जो भी 5-7-10 लोग आए हैं उन सबको हमने आशीष दिया है, और इनसे हमने कहा है कि समाज के हित के लिए जो भी आपसे जितना भी बन पड़ता है अपना पूरा एफर्ट करें, और एक आपको जो पद दिया गया उस पद की गरिमा को बनाए रखें और आपका भविष्य उज्ज्वल हो, ऐसे हमने कामना सभी के लिए की है। बड़ी बात ये लगी कि आपने जो है संकल्प लिया, सिर्फ पंजाबी समाज नहीं सभी वर्गों की सेवा का एक संकल्प लिया कहीं ना कहीं सामाजिक कार्यों का। तो दोस्तों, गुरु गोविंद दौ खड़े काकु लागे पाए, बलहरी गुरु आपने गोविंद यो बताए। हमारी बहन युक्ति शर्मा जी पार्षद हैं पुरवावली वार्ड से, तो पंजाबी महासभा में आप महानगर अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ चुनी गई हैं, एक नगर निगम के पार्षद के रूप में भी आपका दायित्व है। अब जो आपका दायित्व है वो कहीं ना कहीं सामाजिक, खासतौर पर अपने संगठन, बिरादरी के संगठन और फिर अन्य वर्गों के लिए भी महत्वपूर्ण हो गया, हालांकि पार्षद के रूप में भी आप निभाएंगी, तो कैसा लग रहा है, क्या फीलिंग्स हैं अब इस पद पर आकर? पहले तो देखिए कि पहले मुझे पार्षद पद मिला था और उस पार्षद पद को भी हमने पूर्ण रूप से अच्छी तरह निभाया है, और जो ये अध्यक्षता पद मिला है इसको भी हम अपने तरफ से अच्छी तरह निभाएंगे और सर्व समाज को लेकर साथ चलेंगे। पूरे समाज के लिए एक सेवा का अगले जो आयोजन होंगे, हनीश अरोड़ा जी जो अध्यक्ष, पहले आपको बधाई शुभकामनाएं आप सभी पदाधिकारियों को, हनीश अरोड़ा जी, तो कहीं ना कहीं जैसे मैंने बताया एक संकल्प आपने लिया है सर्व समाज की सेवा का, अपना समाज तो पहले है ही लेकिन दूसरे वर्ग, गरीब वंचित वर्ग, जहाँ भी आपकी जो सहायता आप कर सकेंगे वो किस प्रकार से करेंगे? सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे पंडित जी का बहुत बहुत, इन्होंने हमें ये सम्मान दिया, और दूसरा हमने आज तक बचपन से हमारे बड़ों ने हमें यही सिखाया है सेवा करना, हमें सेवा का ही सिखाया है, बचपन से सेवा करनी है, सर्व समाज की सेवा करनी है, और हम बचपन से ही सेवा करते आए हैं। आज हम इलेक्शन लड़े थे वो हार चुके, कोई बात नहीं, लेकिन वो भी पर इलेक्शन जो था हम
सेवा करने के लिए ही भी सेवा के लिए होता जी। तो अगर उस पद की जगह हमें ये बड़ा पद मिला है और पद मिला है, इस ये पद भी समाज की सेवा का ही पद है, वो फ्री सेवा का था, ये भी सेवा का है। हमारा माध्यम हमारा सिर्फ यही है कि हमें सेवा करनी है, सेवा करने के लिए आए हैं और सेवा ही करेंगे। और जो भी अन्य वर्ग के भी लोगों की सेवा हम पूरी करेंगे, कोई भी किसी प्रकार की किसी भी कन्या का विवाह हो या किसी भी तरह से कोई भी चीज़ें किसी को भी जरूरत होगी या पढ़ाई की होगी किसी को, हम सभी सभी का पूरा उनका साथ देंगे। और शहर में चाहेंगे कि सभी हमारा सर समाज एक साथ मिलजुल के आगे बढ़े और शहर में शांति रहे। चलिए, मेरी शुभकामनाएं आपको। राजन आहूजा जी, वरिष्ठ आप समाज सेवी भी हैं, जिला प्रभारी पंजाबी महासभा में चुने गए हैं। आज तक देखने में क्या आया है कि कोई भी संगठन, जातीय संगठन जैसे आपकी पंजाबी महासभा है या और अन्य बिरादरी के संगठन होते हैं, वो बच्चों के अलंकरण, कोई प्रतिभा सम्मान समारोह, कोई अपने जो त्यौहार हैं उन पर कार्यक्रम कर ले, वहाँ तक सिमट कर रह जाते हैं। लेकिन अगर आप करना चाहें, जैसे मैंने पहले कहा कि दायरा बहुत बड़ा है, आपको बहाना चाहिए और आप बहुत कुछ सकते हैं, तो क्या योजनाएं होंगी जिला प्रभारी के रूप में? अब नए जो पूरी आपकी पदाधिकारियों की सभी की कमेटी बनी है, नए पदाधिकारी आए हैं, क्या प्राथमिकताएं होंगी, क्या कार्यक्रम होंगे जिससे सिर्फ आप पंजाबी महासभा, पंजाबी समाज तक ना सिमटी रहे, अन्य वर्गों में भी, जैसा एक आशा आपसे समाज व्यक्त कर रहा है, जा सके, तो क्या कार्यक्रम? संदीप जी, मैं सबसे पहले तो, मेरे को चूंकि परसों ही ये पद मिला है, हमारे उत्तरांचल पंजाबी महासभा के जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं श्री राजीव घई जी, उनके आशीर्वाद से मैं पिछले 3-4 साल से पंजाबी समाज से जुड़ा हुआ हूँ, इस संगठन से जुड़ा हूँ, परंतु कभी किसी पद पर नहीं रहा। और रही जिम्मेदारी की बात, आज हम ये ने यहाँ पर जो रजनीश जी से आशीर्वाद लिया अपने पंडित जी से, मैं उस आशीर्वाद के साथ ही आगे बढ़ते हुए सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हम कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करेंगे, कोई ऐसी बातें नहीं करने जा रहे हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम आसमान से तारे तोड़ देंगे। हमने कार्य करने हैं, परंतु हमारा प्रयास रहेगा हम सीढ़ी व सीढ़ी चढ़ें। हमारे अध्यक्ष जी का, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का कहना सिर्फ इतना ही है कि उतना करो जितना हम कर सकते हैं, एक कदम आगे बढ़ो, फिर दूसरा कदम आगे बढ़ो, फिर तीसरा कदम आगे बढ़ो। करने को समाज में इतना कुछ होता है, इतना कुछ होता है, बहुत कुछ होता है। और रही बात सर्व समाज की, सभी कहेंगे कि सर्व समाज के लिए बहुत कुछ करना है, परंतु मेरा मानना होता है कि अपने समाज के लिए भी अगर हम कुछ कर लेते हैं तो वो भी बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि हमारे समाज में इतना पिछड़ापन है, ये आपको मानना पड़ेगा। हम भी मानते हैं कि सर्व समाज के अंदर जो पंजाबी समाज का ओहदा होना चाहिए वो अभी तक पंजाबी समाज को नहीं मिला, और हमारा प्रयास सिर्फ रहेगा कि हम अपनी सेवाओं के बलबूते पर हम सर्व समाज के अंदर अपना एक वो ओहदा जिसके हम हकदार हैं वो दिलवा सकें। इसलिए हमारा पूरा पूरा प्रयास रहेगा कि हम अच्छी टीम बनाएं। हमारी बहुत अच्छी टीम बनी है अध्यक्ष की, हमारी महिला टीम बहुत अच्छी बनी है, हम अगर इस एक हफ्ते के अंदर हम यूथ की, अपनी युवा की एक टीम बनाने जा रहे हैं। हमारा प्रदेश में जो संगठन बनाए वो निसंदेह बहुत अच्छा संगठन बनाए, और उसी तरह से हम शहर के अंदर भी जो हमारा संगठन बनाए, मुझे पूरी उम्मीद है कि जो मेरे साथ अध्यक्ष रहे हैं और बाकी टीमें रही हैं, हम आने वाले समय में आपको बहुत कुछ कार्य करके दिखाने वाले हैं। सिर्फ मैं बोलने में विश्वास नहीं रखता, मैं कार्य करके दिखाने में विश्वास रखता हूँ। चलिए, बहुत सुंदर राजन जी। देखिए दोस्तों, प्रसिद्ध तीर्थ है गायत्री कुंज, गायत्री शांति कुंज हरिद्वार में, तो वहाँ का एक संदेश है, आध्यात्मिक संदेश, कि हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। तो शायद कहीं ना कहीं राजन जी उसी से स्टेप बाय स्टेप कर बात कर रहे हैं कि पहले हम अपने समाज को इस लायक बनाएं कि दूसरे समाज की सेवा के लायक भी पूरी मजबूती से हम हो सके। लेकिन फिर भी इनका कहना है कि किसी की मुस्कुराहटों पर हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उठा, जीना इसी का नाम है ज़िंदगी, इसी भावना के साथ आप काम करेंगे। कुछ हनीस अरोड़ा जी कहना चाह रहे हैं जी। मैं सर समाज में, मैं जो हमारे इंटर में और हाई स्कूल में जो हमारे बच्चे, जो सर समाज में सभी बच्चों ने जो अच्छे नंबरों से पास हुए हैं, मैं उन सबको तोमर जी के माध्यम से सबको बधाई देना चाहता हूं। उन बच्चों को, सभी को मैं चाहता हूं कि उनकी तरह आगे आने वाले समय में हमारे और बच्चे आगे उन्नति करें और अच्छे नंबरों से पास हो। तो देखिए दोस्तों, वही भावना है कि, तो देखिए दोस्तों, हनीस अरोड़ा जी ने फिर वही, जैसे मैंने कहा था, वही संदेश दिया सर्व समाज के छात्र छात्राओं को, जो कहीं ना कहीं जिन्होंने हाई स्कूल इंटर में पास किया है, अच्छे नंबर लाए, उन्हें बधाई दी है। तो भावना वही है कि किसी की मुस्कुराहटों पर हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उठा, इस भावना के साथ कहीं ना कहीं आज इस सम्मान समारोह, स्वागत समारोह कहेंगे, लघु आयोजन था, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ किया गया ऐसे संक्रमण काल में। और इस सब के साथ मैं संदीप तोमर आपको करता हूँ नमस्कार। जय हिंद। रिपोर्टर है और मैं एक सामान्य नागरिक हूँ रुड़की का, इसके अलावा कुछ नहीं। परंतु जब ये लेख आया था, बात मैं बता रहा हूँ, 10-15 साल हो गए होंगे इस बात को, उस लेख ने
मतलब मेरे व्यक्तित्व का इन्होंने ऐसा निखार उसके अंदर लिखा और उस दिन से ही सही मायने में उस लेख को पढ़ कैसा है और शायद ये हमसे भूल भी हो रही है कि भाई मास्क का यूज नहीं कर रहे, ये मेरा रिश्तेदार है, ये भाई है, या हम पंडित जी से रोज मिलते हैं, तो यहाँ पर हम कहीं ना कहीं लापरवाही भी कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ इस बीमारी से बचने के लिए हम खुद भी बचना है औरों को भी बचाना है, तो मास्क का सब लोग जरूर प्रयोग करें और ये हम जरूर इसमें लापरवाही करें। जैसे हमें कोई अपना देखता है तो हम तुरंत मास्क को नीचे कर रहे हैं।